प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का हुआ नगर आगमन, सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं ने किया हार्दिक स्वागत। राज्य के सहकारिता एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया से कांग्रेस विधायक दल की मुलाकात, रखी मांगे। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में मंत्री अरविंद भदौरिया ने की स्थिति समीक्षा, कलेक्टर ने प्रस्तुत की जानकारियां। और देश के संविधान निर्माता महामना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई, महान व्यक्तित्व को याद कर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भारत रत्न और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को सादर वंदन एवं अभिनंदन। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 14 अप्रैल को जयंती है। मैं आज बाबा साहब को नमन करता हूँ। बाबा साहब ने भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख योगदान दिया। बाबा साहब भारतीय समाज में सामाजिक समानता और समरसता को स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। आज इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान और उनके समाज में समानता के विचार पर गंभीर प्रहार किया जा रहा है। आज भारत में संविधान के मूल तत्वों को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र का सौदा किया जा रहा है। देश में आम जन को जाति, धर्म और समुदाय में बांटकर बाबा साहब के द्वारा शुरू किए गए समानता के मार्ग को तबाह किया जा रहा है। भारत देश हम सबका देश है। भारत का संविधान और लोकतंत्र हम सबका है, और इसलिए इसकी रक्षा का दायित्व भी हम सबका है। आज बाबा साहब की जयंती पर मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आइए हम सब बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें, और भारत की पहचान हमारे संविधान और लोकतंत्र के सम्मान के लिए हम सभी आगे आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। राज्य के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया आज छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों व नेताओं ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सर्किट हाउस में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में भाजपा नेताओं पदाधिकारी ने प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया का पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि इस दौरान सभी ने कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा। सर्किट हाउस पहुंचकर जिले के कांग्रेस विधायक दल ने प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया से मुलाकात की और कोरोना संकट काल के मद्देनजर चर्चा कर सुझाव रखे और मांग पत्र सौंप कर अपनी मांगे रखी। आज हमको संदेश मिला था कि माननीय मंत्री जी प्रभारी के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं, और वो कोरोना के संबंध में जो गंभीर स्थिति बनी है, संक्रमण फैला है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे विस्तारपूर्वक। तो हम लोगों को यहाँ पर 11:30 से 12:30 बजे का टाइम दिया था, उसी संबंध में हम सारे विधायकगण यहाँ पर उपस्थित हुए
और उनसे बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। हम धन्यवाद देते हैं मंत्री जी को कि उनके आने से बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़िले में लाइनअप होंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और हम लोग ने हमारे बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं कि जहाँ जहाँ अव्यवस्था फैली है या आने वाले समय में और जो व्यवस्था बनाना है उस संबंध में हमने सुझाव दिए हैं और मांग करें कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पूरे ज़िले के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग ने एक जो मांग पत्र बनाया, सुझाव पत्र बनाया, उसकी हम एक कॉपी आपको दे देंगे कि मुख्य रूप से हमारा कहना उसमें यही है कि जैसे जो इंजेक्शन की कमी जा रही है उसको पूर्ति किए जाए, जितने मरीज जा रहे हैं उस हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा उन्होंने कहा कि अब छिंदवाड़ा ज़िले को, जिला अस्पताल को बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, इसलिए हर विधानसभा क्षेत्र में 50 बेड का एक कोविड सेंटर बनाया जाए, सर्व सुविधायुक्त बनाया जाए, जिसमें MD डॉक्टर रहे, स्टाफ रहें, टेक्नीशियन लोग रहें, ताकि वहाँ के मरीज वहीं पर उनकी व्यवस्था हो सके। ऐसे और भी अनेक अनेक सुझाव हमने दिया है। ICU के साथ में, वेंटिलेटर के साथ में, सिटी स्कैन के मशीन के साथ में, ऐसा सर्व सुविधायुक्त होना चाहिए, तब लोगों को, मरीजों को वहाँ पर राहत मिलेगी। तो हम लोग ने सब ये बहुत गंभीरता से चर्चा की और हमने शासन को कहा है, मंत्री जी को कहा है, हमारा कोई BJP नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, हम पूरी तरीके से साथ में हैं, आप सहयोग करिए, सरकार राज शासन व्यवस्था बनाए ताकि हम सब मिलकर इस कोरोना संक्रमण से लड़ सकें और हम अपने लोगों को बचा सकें। और हम ये भी उम्मीद करते हैं, हम सबसे अपील करते हैं, हम सभी विधायक मिलकर, कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, और जो वैक्सीन लगाई जा रही है उस वैक्सीन जरूर लगाएं जाके। कोई भ्रम फैलता है तो उसको भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन को उपयोग जरूर करें ताकि उससे संक्रमण ना फैले, ऐसे हमारा प्रयास है। और भी जो मुद्दे हैं, अभी हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जाएंगे, वहाँ पर और बात रखेंगे, जितने भी जो चीज़ें हैं इस जिले के लिए जो हो सकता है हम लोग करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार छिंदवाड़ा पहुंचे प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कांग्रेस विधायक गण और समिति सदस्य मौजूद थे। बैठक में कोरोना से उत्पन्न स्थिति, जिले में हालातों की समीक्षा व उपलब्ध चिकित्सीय व्यवस्था की जानकारी कलेक्टर सौरभ सुमन ने प्रदान की, जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने समीक्षा कर सभी के सुझाव ले कर अपनी ओर से हर संभव मदद की बात कही। उस संदर्भ में हम लोगों ने एक छोटी सी जानकारी बनाई है, उसका पहले हम लोग प्रदर्शन करेंगे माननीय मंत्री जी की अनुमति से। संक्रमण से जो मुक्त हुए हैं वो 3,572 लोग हैं। इस दौरान इन्हीं में से जो सूची में से लोग थे उनमें 74 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मृत्यु दर लगभग 1.7% के आसपास है। आज दिनांक जो सक्रिय केसेस की संख्या हमारे जिले में है सर, वो 742 है। उसमें से होम आइसोलेशन में 592 लोग हैं और जिला अस्पताल में भर्ती जो लोग हैं वो 150 हैं। होम आइसोलेशन में हम लोगों ने CCC वालों को भी जोड़ा हुआ है, क्योंकि उन लोगों के लिए अलग से होम आइसोलेशन की व्यवस्था उनके घरों में नहीं थी, तो उनको हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर पे रखा है। 16 फरवरी तक को हम लोग पहला लहर मान रहे थे मार्च 2020 से। उस दौरान कुल 85,050 सैंपल हुए थे सर, जिसमें 67% सैंपल RT-PCR के हुए थे, 33% सैंपल RAT से हुए थे सर। वो हम जिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट एडमिट हैं पिछले 2 दिन से हम उनको निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। लगभग सर 200 पेशेंट को निःशुल्क इंजेक्शन गए हैं सर, हमारे पास कंप्यूटराइज सूची है सर। व्यवस्था उसकी एक ही है जिला अस्पताल में सर, कि हर वार्ड के डॉक्टर और नर्स, एक फॉर्मेट गवर्नमेंट ने दिया है सर, उसमें सिटी स्कैन का कितना स्कोर है, SpO2 कितना आ रहा है, इनको क्यों आवश्यकता है रेमडेसिविर की, ये लिख के फॉर्म हमारे पास आ जाता है सर, हम उसको कंप्यूटराइज करते हैं सर, और उतने इंजेक्शन हम संबंधित वार्ड के सिस्टर और डॉक्टर के पास भिजवा देते हैं सर। पिछले 2 दिन से ये व्यवस्था निरंतर चल रही है सर, और जितने भी आवश्यकता थी, जितने रिकॉग्निशन आए थे, सभी को रेमडेसिविर दिए गए सर। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के तुरंत बाद जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने दिन भर की चर्चाओं और विचार विमर्श का हवाला देते हुए छिंदवाड़ा जिला प्रशासन की तारीफ की और कहा कि महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला होने के बावजूद छिंदवाड़ा में स्थितियां नियंत्रण में हैं, यह बड़ी उपलब्धि है। प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने जनता की हर पीड़ा और समस्या खुलकर प्रभारी मंत्री के सामने रखी और प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों के सुझाव नोट कर समस्या समाधान के प्रति आश्वस्त किया। साथ ही प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने जनता, समाजसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों व कर्मचारियों सभी से जागरूकता भरे सहयोग की अपील भी की। वास्तव में कोरोना का संकट आज छिंदवाड़ा अकेला नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो जबलपुर में हो, चाहे देश के अन्य हिस्सों में हो या पूरे दुनिया भाई,
कोरोना के संक्रमण से इस महामारी से जूझ रही है। तो जिले में वैसे कलेक्टर महोदय ने कल बता रहे थे, हमने बताया है, टोटल मिला के 1,15,783 सैंपल लिए गए। प्रति लाख जनसंख्या पर औसत 49,986 है। सैंपल टेस्टिंग में 4,384 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। शुरुआत से लेकर मतलब 2020 से लेकर अभी तक बेड की उपलब्धताओं के लिए कई लोगों में थोड़ा भ्रम है कि बेड नहीं है। तो आज मैं इनको कलेक्टर और प्रशासन को बातचीत भी किए, सब पूछा भी है। जिले में COVID-19 के संक्रमित मरीजों के लिए इलाज हेतु 2017 बेड उपलब्ध है, जिसमें शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में 879 बेड और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में 408 एवं कोविड केयर सेंटर में 730 बेड उपलब्ध है। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन सपोर्ट बेड 786, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट बेड 1314, साथ ही आईसीयू एचडीयू के 227 बेड उपलब्ध है। तो टोटल मिला के देखेंगे अभी कितना परसेंट बेड के मतलब हमारे पास अभी उपलब्ध है खाली, 20% बेड हमारे पास अभी खाली है। तो मैं छिंदवाड़ा के हमारे भाइयों बहनों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई घबराहट का विषय नहीं है। ऑक्सीजन के 40% खाली है, अदरवाइज 70% बेड खाली है। तो इसलिए बेड की उपलब्धता है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको आवश्यकता होगी, जिस प्रकार के बेड में जाना होगा, उस प्रकार के बेड की व्यवस्था प्रशासन तैयारी करके रखा हुआ है। ऐसी ऑक्सीजन के बारे में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ गलतफहमियां है, मैं छिंदवाड़ा के प्रशासन को बधाई भी देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन में भी जबलपुर भी था। जबलपुर में थोड़ा संकट था, लेकिन रात के ही हमने सब व्यवस्थाएं उनको करवाई। अभी 10 बजे तक सब उनकी पर्याप्त व्यवस्था हो गई है, उनको भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई है। एक छिंदवाड़ा में ऑलरेडी ऑक्सीजन की व्यवस्था है। बैतूल वाले आज छिंदवाड़ा में सुबह से आना हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो कोरोना का संकट फैला हुआ, अकेले छिंदवाड़ा नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में संकट जो फैला हुआ है, इससे कैसे राहत मिल सकती है, किस प्रकार से संकट से दूरी हो सकती है, किस प्रकार से संकट का निदान हो सकता है, ऐसे मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया है। तो छिंदवाड़ा जबलपुर मेरे पास दिया है, तो कल मैं जबलपुर था, आज सुबह से छिंदवाड़ा था। छिंदवाड़ा में सभी जनप्रतिनिधियों से हमने संवाद किया, सभी विधायक आए, कांग्रेस के हमारे मित्र हैं सभी विधायक, वो सब लोग आए, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, ऐसे सभी से संवाद करके बातचीत हुई है, प्लस प्रशासन के साथ ही बातचीत हुई और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी संवाद हुआ है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है छिंदवाड़ा के हमारे सभी भाइयों बहनों से, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क को छोड़े नहीं, लगा के रखें, बार बार हाथ धुलें, ये सब के साथ जो सरकार कर सकती है, ऑक्सीजन गैस की, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन छिंदवाड़ा में है। दूसरा, जो इंजेक्शन की बात कई बार आती है, वो इंजेक्शन से लेकर सभी दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में छिंदवाड़ा में है। इसलिए और भी जो आवश्यकता पड़ेगी, उस सबसे भी संवाद करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की, मैंने छिंदवाड़ा के जितने MLA हैं सभी MLA की बातचीत कराई, आने यहाँ पे आने के बाद शिवराज सिंह चौहान साहब से, फिर मैंने सभी से संवाद किया, नकुलनाथ जी से भी हमारे सिस्टम में बातचीत की, यहाँ के हमारे लोकल विधायक माननीय कमलनाथ जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे भी मैंने व्यक्तिगत बातचीत की कि क्या क्या छिंदवाड़ा के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, कोरोना के संकट के निदान की दृष्टि से हो सकता है। मीडिया के मित्रों से भी मैंने बातचीत किया है, वो सब नोटिंग करके अभी फिर अधिकारियों के साथ बात करके मैं इस संकट से निकलने के लिए प्रशासन की जो जो कार्रवाइयाँ हो सकती है, जो जो कार्य हो सकते हैं,
वो सब हम करने को तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कोरोना के संकट को निदान पाएंगे। सर राशन की बहुत दिक्कत हो रही गरीबों, राशन की गरीबों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, राशन हर गरीब के घर तक पहुंच जाए। राशन की व्यवस्था हम समुचित उपलब्ध कराएंगे। थंब की समस्याओं को भी हम क्या उसका विकल्प हो सकता उस पर भी बातचीत करेंगे, इसलिए राशन की दिक्कत आने नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगी तो उनके घर तक, गरीबों के घर तक भी राशन पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने ई दक्ष केंद्र कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और दूरभाष पर मरीजों से बात कर उनके हालचाल जाने, पता किया कि उन्हें दवा उपचार सही मिल रहा है अथवा नहीं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कलेक्टर सौरभ सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल भी मौजूद थे। हेलो, जितेंद्र जी से बात हो रही है? आइए सर, एक मिनट आपसे सर बात करना चाहेंगे। जितेंद्र जी, माननीय मंत्री जी आपसे बात करेंगे, भदौरिया साहब। पूरी सेवा में दर संकल्प के साथ खड़ा हूं। थैंक यू। ये लीजिए सर। ज्योति जी बोल रहे हैं? ज्योति जी, मैं डॉक्टर अरविंद भदौरिया बोल रहा हूँ। अच्छा, कैसी तबीयत वगैरह आपकी है? और कितने दिन हो गए आपको? साथ रहने में तकलीफ तो नहीं? खांसी चल रही है। चलिए, एक डॉक्टर का सुझाव जो है उसको मानते हुए। कोई दिक्कत? खबरों वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी हलचल। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानून अपराध है। अगर कोई केवल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162-298001, फोन नंबर है 07162-298001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना के खतरे के कारण छिंदवाड़ा में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते धार्मिक स्थल जाने की भी लोगों को मनाही है। नवरात्र हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ, बैसाखी का पर्व भी आया और रमजान भी शुरू हो गए, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खाली हैं। कोविड गाइडलाइन के चलते लोग घरों में ही भक्ति आराधना कर रहे हैं। पुलिस ने रमजान पर्व की शुरू होने पर छिंदवाड़ा में गश्ती वाहन के स्पीकर के माध्यम से लोगों को पर्व की बधाई दी और घर पर रहकर पर्व के दौरान देश की सलामती की दुआ करने की अपील भी की। रमजान के इस पाक महीने की बहुत बहुत बधाई। ये कोरोना काल में, ये कोरोना रूपी महामारी जो जिले में अपने पैर पसारे हुए है, छिंदवाड़ा प्रशासन आपसे अपील करता है कि इस कोरोना रूपी महामारी में ज़्यादा संक्रमण ना फैले। इस कारण इस रमजान के पाक महीने में घर पर ही रहकर इबादत करें, अल्लाह से दरख्वास्त करें कि हमारे जिले को, हमारे प्रदेश को और हमारे देश को इस कोरोना रूपी महामारी से मुक्त करें। आप सभी को रमजान के इस पाक महीने की बहुत बहुत बधाई। आप सभी से निवेदन है, छिंदवाड़ा प्रशासन का सहयोग करें। छिंदवाड़ा प्रशासन का सहयोग करते हुए रमजान के इस पाक महीने में घर पर ही रहकर इबादत करें, अल्लाह से दरख्वास्त करें
कि हे अल्लाह इस जिले को, इस प्रदेश को और इस देश को कोरोना रूपी महामारी से मुक्त करे। आप सभी को रमजान के पाक महीने की बहुत बहुत बधाई। लॉकडाउन के छठवें दिन भी आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर लालबाग द्वारा शहर में लगातार गरीब असहाय भिक्षावृत्ति के भरोसे अपनी जीविका चलाने वालों को भोजन के पैकेट एवं बिस्किट के पैकेट वितरित किए गए। अब शहर में इन लोगों के बीच हालात इस तरह से बन चुके हैं कि भोजन लेने वाले समिति के सदस्यों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज समाज सेवी श्री राजलानी भी मंदिर पहुंचे और समिति के सदस्यों का हौसला बढ़ाया। साथ ही कमल मदान ने भी सदस्यों को मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा पंजीकृत सामाजिक संगठन भारतीय बौद्ध महासभा एवं समता सैनिक दल द्वारा बाबा साहब की 130वीं जयंती समारोह का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर तिराहे पर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किया गया। इस अवसर पर देश के संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सत्कार तिराहा स्थित आदमकद प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती के अवसर पर मैं तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर मैं शहर के तमाम उपासक उपासिका एवं भीम सैनिकों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ तथा प्रभारी मंत्री गौरी शंकर जी बिसेन एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम दिए जाने की घोषणा की गई थी, सरकार ने उसे आज तक पूरा नहीं किया। हमारी पुनः मांग है कि मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम अतिशीघ्र दिए जाने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर भीम सेना पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अंबेडकर स्मारक पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बाबा साहब के महान व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। आज 14 अप्रैल विश्व रत्न महामानव दुनिया में जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का आज मध्य प्रदेश के मऊ में जन्म हुआ था। आज बाबा साहब अंबेडकर को पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा प्रदेश सभी लोग जानते हैं और मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पूरे भारत देश में एक ऐसे लीडर हुए हैं जिन्होंने दलित, शोषित, कुचले, दबे कुचले एवं सभी समाजों और सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। संविधान लिखने में पूरे देश में और पूरी दुनिया में आज उनका नाम जाना जाता है। और कोविड-19 को देखते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज अंबेडकर तिराहे में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करके आज हम उन्हें दिल से नमन करते हैं। साथियों, आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 संक्रमण जो हमारे पूरे प्रदेश में, जिले में, अपितु पूरे भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है और लॉकडाउन हमारे जिले में लागू है, इसीलिए हम सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव सेलिब्रेशन कर रहे हैं
आप सभी को बाबा साहब के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी से कामना करते हैं कि आप सभी बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतारे और उनके लक्ष्यों पर चलते हुए हर मंजिल को कामयाब बनाएं। धन्यवाद। माता मंदिरों में चैत्र नवरात्र पर विधि विधान से पूजा अर्चना प्रारंभ है। पुजारी ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना के कारण आम लोगों का मंदिरों में प्रवेश प्रतिबंधित है। इस साल चैत्र नवरात्र पर मंदिरों में पूजा करने के लिए भक्तों का तांता नहीं लगा। कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में केवल पुजारियों ने ही 5 घटों की स्थापना कर पूजा अर्चना की। शहर के षष्ठी माता मंदिर में सुबह से पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर बाद तक जारी रहा। हालांकि आने वाले 9 दिनों तक मंदिर में इसी तरह पूजा अर्चना होगी। मंदिर के पुजारी ही दोनों समय की आरती करेंगे। उनको कौन जानते हैं क्या बोलेगा? वो बोलेगा ना, उनको सीधे बोलते गेट ना। प्रतिवर्ष नवरात्रों में यहाँ पे 1100 कलश रहते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के वजह से
समिति ने यह निर्णय लिया कि सभी भक्तों की तरफ से 5 मनोकामना कलश रखे जाएंगे और आम भक्तों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, बाहर से ही दर्शन करने का बनाया गया है और मंदिर के पंडित जी और समिति के 5 सदस्य, प्रशासन का जो आदेश है कि पंडित जी और समिति के 5 सदस्य सुबह शाम की पूजा आरती करके मंदिर की नवरात्रा का पर्व मनाएंगे और आम भक्तों से निवेदन की है समिति ने कि लोग घर में रह के माता रानी की आराधना करें और जैसे आते भी एक एक करके आएँ, भीड़ ना लगाएं मंदिर में और बाहर से माता रानी का दर्शन करके घर सुरक्षित चले जाएं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का हुआ नगर आगमन, सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं ने किया हार्दिक स्वागत। राज्य के सहकारिता एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया से कांग्रेस विधायक दल की मुलाकात, रखी मांगे। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में मंत्री अरविंद भदौरिया ने की स्थिति समीक्षा, कलेक्टर ने प्रस्तुत की जानकारियां। और देश के संविधान निर्माता महामना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई, महान व्यक्तित्व को याद कर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही, नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हाँ, मेरा हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।